अब इंशाल्लाह लंबी तारीख मिलेगी हिंदुस्तान में, बस वही है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक फिल्मी डायलॉग भी है ये, तो मेरे भाइयों आपके सामने ये भी रख दिया, ये फिल्मी डायलॉग हो तो क्या हुआ, सच्चाई जहाँ से मिले। मेरे भाइयों ये बुनियादी चीज़ें मैंने दो घंटे की तकरीर में आपके सामने रखी हैं। भुलकी का मदरसा हमेशा बड़ा मदरसा, इलाके का बड़ा मदरसा माना जाता है। मेरे भाइयों लॉकडाउन की वजह से सारे मदरसों का हाल ख़राब रहा है, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। याद रखना उत्तर प्रदेश के मदरसों पर अब सरकार की निगाहें आ गई हैं और मदरसों की जांचें शुरू होने लगी हैं। सरकारी मदद बंद होने के कगार पे आ गई है, आप देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं। और बंगाल वालों तुम पर तो अल्लाह का रहमो करम है, मदरसे आपके चल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई सरकारी जांचें नहीं चल रही हैं। कम से कम इन मदरसों की मदद करके इस्लाम के किलों को ज़िंदा रखो। और आपसे चलते चलते गुजारिश करके जा रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से मदरसों के हालात बहुत ख़राब हैं और कितने मदरसे तो बंद हो चुके हैं। कम से कम असातिज़ा को तनख्वाहें मिल जाएँ, आप मदरसे का तआवुन करते जाएँ। और जो दे चुके हैं उनसे गुजारिश है मज़ीद मेरे कहने पर भी कुछ दे दें, मुझे कल जाना है। और एक बात और कह दूँ कि मेरे प्रोग्राम थे 22 तारीख से लेकर आज तक, ये जो है 28 फरवरी का, यहाँ तक प्रोग्राम थे, लेकिन मैं 22, 23, 24, 25, 26 इन प्रोग्रामों में मैं शिरकत नहीं कर सका, जिसमें 23 तारीख को जो गोवा गांव में प्रोग्राम था उसमें भी मैं नहीं आ सका, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी तारीखें मिलने लगीं कोर्ट से। लॉकडाउन में कोर्ट का आदेश ये आया कि लॉकडाउन के बाद जो कोर्ट बंद रही है एक साल, उसके बाद जो खुल रही है तो उसकी पूर्ति की जा रही है, हर दो दिन के बाद एक डेट मिल जाती थी, तो मैं उन डेटों में फंसा हुआ था, क्योंकि पहले मुझे अपने आप को सेव करना है, जलसे तो बहुत होते रहेंगे, इसलिए मैंने मोबाइल अपना बंद कर दिया था, क्योंकि टेंशन कोर्ट का टेंशन था मेरे ऊपर। इसलिए मैं 22 से लेकर 26 तारीख तक के जलसों में मैं शिरकत नहीं कर सका। हमारे हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर भी परेशानी आती है, और 26 के बाद फिर डेट पड़ गई 2 मार्च, इसलिए मैं चला आया कि 27 और 28 का प्रोग्राम कर लूं। और आज एक हो गई है, मैं बागडोरा भाग रहा हूं और फिर मुझे कोर्ट की तरफ जाना है, फिर तारीख लेना है। और अब इंशाल्लाह लंबी तारीख मिलेगी हिंदुस्तान में, बस वही है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक फिल्मी डायलॉग भी है ये, तो मेरे भाइयों आपके सामने ये भी रख दिया, ये फिल्मी डायलॉग हो तो क्या हुआ, सच्चाई जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, ये सच्चाई पर हकीकत मबनी है, ना फैसला कर रहा है, ना छोड़ रहा है, ना सज़ा सुना रहा है, ये अजीब मसला है। बस आओ, एक ज़हनी तौर पर परेशान करने की एक आदत है जो हिंदुस्तानी कोर्टों में बनी हुई है। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे इस मुसीबत से निकाले, नजात अता फरमाए। यही एक केस अब मेरे ऊपर रह गया है 54 केसों में से, दुआ करो अल्लाह मुझे इस केस से भी नजात अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, और आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि मैं 5 मिनट बैठूँगा, 10 मिनट आप स्टेज पर भी ला के दे सकते हैं, चादर घूम रही है उस पर भी दे सकते हैं, बारे ला हम